उसी तरह प्रसन्न होकर सभी व्रत करके इस कथा को पढ़ने सुनने वाली देवियों को भी उत्तम और अखंड सौभाग्य प्रदान करना। बोलिए करवा मैया की। करवा चौथ व्रत की दूसरी कहानी, व्रता स्त्री थी उसका नाम करवा था, तो अपने पति की सेवा करने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। एक कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति जब स्नान नदी में कर रहा था, एक मगरमच्छ उसका पैर पकड़कर नदी में ले गया। तब पति जोर जोर से करवा करवा कहकर पत्नी से मदद के लिए पुकार दिया। पत्नी ने सब देखा तो उसने अपनी साड़ी से एक सूत खींचकर मगर की ओर फेंक दिया, तो सूत के धागे से बंधकर पति को आगे नहीं ले गया। करवा ने फिर धर्मराज को पुकारा। उस प्रतिपिता की पुकार पर धर्मराज वहां उपस्थित हुए और बोले, हे पति पिते कहो क्या चाहती है। करवा बोली, महाराज आप धर्मराज कहते हो और यह अधर्म हो रहा है। देखो मेरा पति नदी पर स्नान कर रहा था, उसे मगरमच्छ ने पकड़ लिया, आप इसे मारकर मेरे पति को बचाए। धर्मराज बोले, हे पुत्री मगरमच्छ की आयु अभी मरने की नहीं हुई है, इसकी आधी आयु शेष है, इसलिए मैं इसको मृत्यु नहीं दे सकता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।